हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वुडन लॉग। वुडन लॉग जो है टू फार्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट जो है वो लोकल फार्मूला यूज़ करेंगे, सेकंड जो है हॉपेस फुट फार्मूला जो है उससे हम कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट हम लोकल फार्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। वॉल्यूम सी ये इंचेस में होगा, मल्टीप्लाई सी ये भी इंचेस में होगा, मल्टीप्लाई लेंथ ये फिट्स में होगी, डिवाइड हम कर देंगे 2304 के ऊपर। अब सी जो है, सी क्या है, ये लपेट है, ये सरकमफ्रेंस है। सी रिप्रेजेंट कर रहा है सरकमफ्रेंस को। और एल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को। अब फार्मूला की तरफ चलते हैं। सी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस जो है हमारी जो लपेट है, जो दायरा है, हमने वुडन लॉग जो है उसका जो अराउंड हमने पमाइश की है वो हम कोशिश करेंगे एवरेज लेंगे। फॉर एग्जांपल जो भी है, फॉर एग्जांपल इस साइड पे हमारी ये 40 इंच है और इस तरफ 44 है, एवरेज 42 आ जाएगी। कोशिश करेंगे जो मिड होगा वहाँ से हम इसकी लपेट लेंगे। इसका जो सरकमफ्रेंस है वो है 42। वॉल्यूम सी सरकमफ्रेंस यानी लपेट इंचेस में, 42 मल्टीप्लाई सरकमफ्रेंस, 42 मल्टीप्लाई लेंथ फीट्स में 10 फीट्स, डिवाइडेड 2304। अब हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड 2304। हमारा वॉल्यूम आ गया है 7.656 क्यूबिक फीट्स। ये नॉर्मल फार्मूला जो लोकल फार्मूला है उससे हमने मेजरमेंट की है। अब जो दूसरा फार्मूला है उससे हम वर्किंग करेंगे। सेकंड फार्मूला है हॉपेस फिट फार्मूला। उसका फार्मूला है वी जी डिवाइडेड 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एल डिवाइडेड 144। अब वी जो है, वी रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम इन हॉपेस फीट। और जी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है गर्थ। गर्थ मेजर्ड मिड पॉइंट ऑफ द लॉग इंचेस। जी जो है गर्थ मेजर्ड मिड पॉइंट ऑफ द लॉग इन इंचेस। और नेक्स्ट एल जो है, ये एल रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ लॉग इन फीट। एल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ लॉग इन फीट्स। सेम जो डायमेंशन थी जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया वो इसी फार्मूले के अंदर पुट करेंगे।
वी वॉल्यूम गर्ड्स जो है हमारा जो लपेट है, जो इसकी लपेट है, जो सरकमफ्रेंस है वो 42 इंचेस है। ये हमने इंचेस में ही लेनी है, 42 डिवाइडेड 4 का स्केयर ले लेंगे, मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ हमारी वही 10 फीट्स आएगी, डिवाइड हम कर देंगे 144 के ऊपर। देखें, कैलकुलेट करते हैं, 42 डिवाइडेड 4 इसका स्क्वेयर मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड 144, ये देखें 7.656, 7.656 क्यूबिक फुट इसका आंसर आया है। यानी दोनों फार्मूले, टू फार्मूले यूज किए हैं, दोनों का सेम आंसर आया है क्यूबिक फिट्स में। ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फ्रेंड्स।